वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाटर कलर ट्यूटोरियल। वाटर कलर से रेंडिंग कैसे करते हैं, वाटर कलर से रेंडिंग की बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे आए DMs के, आप लोग आप कौन से वाटर पेन चूज़ कर रही हैं। तो मैं पेलिकन के वाटर पेन चूज़ कर रही हूँ। इसमें हम लोगों के पास ऑलमोस्ट 24 कलर्स होते हैं और जो है बहुत जो है मेन कलर्स हैं वो होते हैं। मैं आप लोगों को इसके जो वाटर कलर के सारे शेड्स हैं वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है हमारे पास, इसमें रेड में भी 3 शेड्स आते हैं। ये मरून जो कि हमें डार्क पिंक का शेड देता है, और उसके बाद हमारे पास एक रेड ये है जो कि फ्रेश रेड का शेड देता है। हमारे पास टोमेटो रेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये ऑरेंज रेड जो है उसका शेड देगा हमें। और ये हमारे रेड के शेड्स हैं। ब्लू के हमारे पास इसके बाद ब्लू के भी हमारे पास डिफरेंट शेड्स हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल डार्क ब्लू जो है और जिंक शेड दे रहा है हमारे पास। और ये बिल्कुल लाइट जो हमारे पास ब्लू कलर होता है ये उसका शेड देगा, ये वाला कलर जो इंक ब्लू कलर होता है। और ये हमारे पास सिंपल जो हमारा ब्लू कलर होता है, एक्चुअल ब्लू कलर। मे बी आप लोगों को लाइट की वजह से बिल्कुल एग्जैक्ट कलर्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इसके जो परफेक्ट कलर्स होते हैं ये वही कलर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास येलो के भी डिफरेंट 3 शेड्स हैं। ये सिंपल जो हमारे पास येलो कलर होता है ये वो शेड है। इसके बाद लेमन येलो जो होता है ये लेमन येलो शेड है, जैसा कि ये दोनों डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मे बी कैमरे में सेम लग रहे होंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त जो येलो हमारे पास कलर, एक्चुअल येलो कलर होता है ये वो कलर है जो कि मस्टर्ड में भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑरेंज कलर है, जो ऑरेंज कलर होता है जो कि रेड शेड में ही आता है। इसके बाद जो ब्लू शेड में हमारे पास आता है उसमें पर्पल कलर है जो कि प्लम कलर होता है, उसका शेड जो है वो कुछ इस तरह से होता है। और उसके बाद जिंक जो है हमारे पास उसका शेड ये होगा। नेक्स्ट जो है उसमें भी डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास। ब्लैक में भी इसमें डबल शेड है। फर्स्ट ब्लैक जो है वो ये है डार्क ब्लैक, और ये थोड़ा ब्लू ब्लैक में जो हमारे पास ग्रे शेड में होता है ये वो वाला ब्लैक है। मैं बिल्कुल आप लोगों को शेड्स दिखा रही हूँ। इसके बाद मरून जो है, मरून के भी डबल शेड्स हैं, डार्क मरून है जो कि ब्राउन कलर होता है, और एक ये बिल्कुल जो है वो लाइट कलर होगा। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स हैं जो कि ये ऑरेंज शेड दे रहा है हमारा कलर। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन के भी डिफरेंट शेड्स हैं, 3 शेड्स हैं, जो कि एक बिल्कुल जो डार्क ग्रीन कलर होता है जिसे हम बॉटम ग्रीन कलर भी बोलते हैं, ये वो वाला ग्रीन कलर है। जितना हम लोग वाटर यूज़ करेंगे इसके शेड्स जो हैं उसको डिफरेंट होते आएंगे। ये भी ग्रीन कलर है लेकिन ये बिल्कुल लाइट में आएगा कैमरा में। ये दोनों डिफरेंट शेड्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो बिल्कुल डार्क वाला जो ग्रीन कलर होता है ये वो ग्रीन है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पैरेट कलर है। हमारे पास ये कलर है जो कि इस तरह से आएगा, बहुत कॉमन कलर है और इसके भी डिफरेंट शेड्स हैं। ये इसका ही नेक्स्ट जो है ये हमें येलो शेड दे रहा है। और उसके बाद ये बिल्कुल लाइट कलर है, ये बहुत अच्छा मेरा फेवरेट स्पेशली कलर है क्योंकि ये सब कलर्स के साथ जो है चल जाता है। किसी कलर के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये सबसे ज़बरदस्त कलर है क्योंकि ये लाइट कलर है, इसके साथ हम लोग किसी भी डार्क कलर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। और ये थे हमारे 24 कलर्स और शेड्स पेलिकन वाटर पेंट्स के।
बिगनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये जो है वीडियो, और स्पेशली जो अननोन होते हैं, बिगनर्स बिल्कुल होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम लोग कौन से वाटर कलर जो है यूज़ करें, कौन से बेस्ट होते हैं हमारी स्पेशली शेडिंग के लिए, क्योंकि शेडिंग जो है वो मेजर एक कॉम्पोनेंट होता है कि हम लोग किस तरह से शेडिंग करें, और उसके लिए जो बेस्ट कलर्स हैं वाटर कलर स्पेशली जो हैं वो पेलिकन के हैं, और इनके डिफरेंट शेड्स हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले मैंने पानी लिया है और वाटर कलर मैं पेलिकन के यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश मैंने ज़ीरो साइज़ ब्रश लिया, आप किसी भी साइज़ का ब्रश ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग जिस भी एलिमेंट में कलर कर रहे हैं उसका साइज़ कितना है। तो मैंने रैंडमली जो है वो बनाया है, बॉक्स बनाया है, और इसमें हम देखेंगे कि वाटर कलर से कैसे हम लोग रेंडरिंग करते हैं। मैं इसमें से ये मेरा वाटर कलर है, इसमें से मैं कोई भी कलर अपना ले लेती हूँ, सिंपली मैंने रेड कलर लिया, और इसको मैंने अपने ब्रश को पहले गीला कर लिया था, और इसमें इसके कुछ पोर्शन में मैंने ये रेड कलर जो है वो कर लिया। वाटर कलर का ये फ़ायदा होता है कि हमारे अगर हमारे वाटर कलर में पैचेस आ जाते हैं तो इसको हम लोग कवर कर सकते हैं वाटर के साथ। आप लोग देखेंगे कि वाटर कलर करते हुए हमारी पेज पे या जिस चीज़ पे भी हम लोग कर रहे हैं पैचेस आ जाते हैं, उसको हम वाटर के साथ और कलर के साथ जो है कवर कर सकते हैं। सिंपली मैंने इसमें कलर किया, अब मैं इसको ड्राई होने दूंगी, 2 या 3 मिनट में ड्राई होगा ये, तो अब हम इसकी रेंडरिंग करेंगे। ये 4 to 5 मिनट्स में हमारा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यही कलर लेंगे बिल्कुल ड्राई ब्रश के साथ, ड्राई ब्रश के साथ हम लोग यही कलर लेंगे, और इसको कॉर्नर से हम लोग इसकी शेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हम लोग अपने एलिमेंट को है उसमें शेड्स ऐड कर सकते हैं, और इसको लाइट और डार्क कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें जो है शेड्स ऐड करेंगे तो हम इसमें वाटर थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको यूं कर देंगे, और ये बहुत ज़बरदस्ती हमारी जो है वो रेंडरिंग हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप ये है रेंडरिंग करने का। जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग रेंडरिंग करेंगे, उसमें ये है कि हमारे पेज पे बिल्कुल भी पैचेस नहीं आए, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने पेज को गीला करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वाटर कलर करने का, सबसे पहले हम लोग पेज को गीला कर लेंगे ब्रश के साथ, और जो हमने कलर करना है वो कलर हम लोग लेंगे। लाइक अगर मैंने ऑरेंज कलर लेना है तो मैं इसको अपने गीले ब्रश के साथ लूँगी, और ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये ज़्यादा इजी स्टेप होता है हमारा तरीका वाटर कलर करने का। इसमें भी हम लोग शेडिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम लोग अपना अपने ब्रश को थोड़ा ड्राई करेंगे और उस कलर को जो हम लोग जिस कलर के साथ हम लोग शेडिंग करना चाह रहे हैं वो कलर लेंगे, और जहाँ हम लोगों ने शेडिंग करी, मेरा बिल्कुल प्लेन है तो इसमें मैं सिंपली रैंडमली जो है वो शेडिंग कर रही हूँ। आप लोग अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंगली जो है उसमें शेडिंग कर सकते हैं, और उसकी बहुत अच्छी फाइनल लुक जो है वो आ जाती है। एज कम्पेयर टू पोस्टर पेंट्स, वाटर कलर में शेडिंग करना जो है वो ज़्यादा इजी होता है, और यूजुअली जो है शेडिंग जो है वो वाटर कलर से ही की जाती है, जिसे हमारे टिंट्स और शेड्स जो हैं वो हमें प्रोमिनेंट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।